हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 M's ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, या मुझे कहना चाहिए 3 M's ऑफ ऑप्शन सेलिंग। कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ये जो 3 M मैं आपको बता रहा हूँ, 3 M's, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये हर वीडियो के लिए बोलता है कि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो को आप डिसाइड कीजिए कि ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये 3 M कौन से हैं जो ऑप्शन सेलिंग के पिलर हैं, जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करो। तो ये 3 M है, मार्जिन, मैनेजमेंट एंड माइंड। मार्जिन, मैनेजमेंट, माइंड, ये 3 M है जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, जो आपको हमेशा कंसिडर करने हैं। इनके बिना आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये क्या होंगे ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है मार्जिन। मार्जिन बोल सकते हो, मनी बोल सकते हो। मार्जिन क्या होता है? देखिए, ऑप्शन जब हम बाई करते हैं तो हम मार्केट को एक प्रीमियम पे करते हैं, और जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम मार्केट को एक मार्जिन पे करते हैं, एक मार्जिन मनी हम पे करते हैं। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बेसिकली वही पैसा होता है जो ऑप्शन सेलिंग के लिए ब्लॉक होता है। अब देखिए, जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो छोटी सी अमाउंट में हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्जिन पे करना होता है, एक मार्जिन मनी पे करनी होती है। तो लेट से आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हो, तो कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा? यही कुछ 90,000 से 1,00,000 रुपये का मार्जिन आपको चाहिए होगा। मतलब अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तभी आप उस ऑप्शन को सेल कर सकते हो। वहीं पर अगर आप सेम ऑप्शन को बाई करने जाओगे तो एक छोटा सा प्रीमियम पे करके और आप उस ऑप्शन को बाई कर सकते हो। वहां पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, जो आपका प्रीमियम है वो छोटा होता है, मतलब कम रुपए में भी आप उस ऑप्शन को बाई कर सकते हो। लेकिन जब सेम ऑप्शन को आप सेल करने जाते हो तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो मेरी जो कैपिटल है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहां पे ज्यादा होती है। और सिर्फ यही नहीं, अगला जो पॉइंट है ये इससे भी ज्यादा जरूरी है, और ये है मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन एक्सपेंशन क्या होता है ये यहां पे ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं, बाकी किसी डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन एक्सपेंशन क्या होता है और ये कितना खतरनाक होता है। तो देखिए, मार्जिन एक्सपेंशन क्या होता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर जाती है। मतलब मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है और उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,00,000 रुपए है। अब आपके पास 1,00,000 रुपए थे तो आपने इस कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब कल क्या होता है, कल मार्केट में वोलेटिलिटी है ये बढ़ जाती है, तो जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है ये भी ऊपर जाती है। इसको बोलते हैं मार्जिन एक्सपेंशन। तो जब मार्जिन एक्सपेंशन होगा वोलेटिलिटी के ऊपर जाने के साथ, तो कल जिस ऑप्शन के लिए आपको 1,00,000 रुपए का मार्जिन चाहिए था वही मार्जिन अब बढ़ के और 1,25,000 रुपए का हो जाएगा या 1,50,000 रुपए का हो जाएगा। तो अब सेम पोजीशन के लिए जहां पे आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, लेट से अब आपको 1.25 लाख रुपीज चाहिए, तो मतलब अब 25,000 रुपए ज्यादा आपको चाहिए सेम पोजीशन के लिए। तो आपका ब्रोकर है वो आपको मार्जिन कॉल करेगा कि आपका मार्जिन है वो कम पड़ रहा है, आप और ज्यादा पैसा डालिए। मतलब ये जो 25,000 रुपए आपके कम पड़ रहे हैं, क्योंकि कल सेम पोजीशन के लिए 1,00,000 रुपए का मार्जिन था, 1,00,000 रुपए आपके पास थे, उससे आपने उस ऑप्शन को सेल कर दिया। अब आज क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, इस वजह से मार्जिन जो कल 1,00,000 रुपए था वो 1,25,000 हो गया है। तो ये जो ऊपर का 25,000 रुपए है ये आपको और ऐड करने पड़ेंगे, ये फंड आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है ये बहुत डेंजरस चीज़ है। या तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप जितना मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है उतना आप भर दीजिए, मतलब या तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट देगा, आपका जो भी लॉस है उसको बुक कर देगा। मतलब अगर आप नहीं भी चाह रहे हो तो भी आपकी पोजीशन है उसको ब्रोकर काट देगा। तो इस वजह से अगर आपके पास मार्जिन की कमी है तो हो सकता है कि आपको लॉस बुक करना पड़ जाए किसी पोजीशन में, जहां पे आप उसको बुक करना भी नहीं चाहते। आपका अभी भी मानना है कि मार्केट आपका फेवरेबल मूव देगा, मैं इस पोजीशन में रहना चाहता हूं, लेकिन ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट देगा क्योंकि मार्जिन है वो शॉर्टफॉल हो रहा है। तो इस वजह से जो फर्स्ट टाइम है मार्जिन या मनी, वो सबसे ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो ये आपको समझना चाहिए कि मेरे पास एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग वो वेंचर है जहाँ पे पैसा चाहिए होगा, तो मार्जिन आपके पास ज़रूर होने चाहिए, एडिक्वेट मार्जिन आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से और अब आपकी पोजिशन को ब्रोकर काट रहा है। तो मार्जिन है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपके अकाउंट में सफिशियंट मार्जिन होने चाहिए ऑप्शन सेलिंग में जाने से पहले, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। अब बात करते हैं दूसरे M की, और दूसरा M है मैनेजमेंट।
अब मैनेजमेंट से आप समझ गए होंगे, मैनेजमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट, कि पोजीशंस को मैनेज करना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और आपको एडजस्टमेंट्स की जानकारी नहीं है तो आप एक डिजास्टर की तरफ हेड कर रहे हो। जी हाँ, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। बिना एडजस्टमेंट की नॉलेज के और ऑप्शन सेलिंग करना लॉस को इन्वाइट करने वाली बात है, तो आपको एडजस्टमेंट है वो सबसे पहले मास्टर करने चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो। बिना एडजस्टमेंट को जाने आपको ऑप्शन सेलिंग भूल के भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए होगा क्या, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है उसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि जो आपको लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है, हो सकता है आपने 10 में से 8 ट्रेड्स में प्रॉफिट किया हो, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो बहुत छोटा होगा और जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो जो दो बार लॉस आपको हो रहा है वो आपका जो 8 बार प्रॉफिट हुआ उस पूरे को एक बार में खा सकता है या आपको भारी डेंट दे सकता है अपनी कैपिटल पे। तो इस वजह से एडजस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, देखिए मार्केट अगर आपके फेवर में रहता है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है, तब तो ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जाता है तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने आने चाहिए कि आप उस लॉस को हटा सको या उसको मिटिगेट कर सको। और अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। देखिए एडजस्टमेंट है ये ऑप्शन बाइंग में भी आपको करने चाहिए, हालांकि लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट करने चाहिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमने जो प्रीमियम पे किया है वही हमारा मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वही जब मैक्सिमम लॉस है, दैट मीन्स मार्केट में कुछ भी हो जाए उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता, मेरा लॉस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो होती है यहाँ पे आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए ताकि आपका रिस्क है उसको आप डिफाइन कर सको। तो बेसिकली होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, इसी वजह से यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पे लॉस अनडिफाइंड है वहाँ पे आप उसको होने नहीं दे सकते कि आपको लॉस हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि लॉस है वो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस हो सकता है। तो जहां पे अनडिफाइंड वर्ड आ गया वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि होने दीजिए इसको, कि जब तक हो रहा मैं देख लूंगा, क्योंकि कितना भी लॉस हो सकता है। तो जब चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है तो वहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, आपको पोजिशन को मैनेज करना नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग भूल के भी नहीं करनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो ही आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वरना इट्स ए बिग नो, आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए बिना एडजस्टमेंट को जाने। तो देखिए इस चीज़ पे मैं इतना जोर दे रहा हूँ तो इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि बिना एडजस्टमेंट को जाने ऑप्शन सेलिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो जो हमारा सेकंड एम है वो है मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज़ मार्जिन, सेकंड इज़ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं तीसरे एम की, और तीसरा एम है माइंड। माइंड से मेरा मतलब क्या हो गया, माइंड से मेरा मतलब है साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, स्पेशली जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो, क्योंकि वहाँ पे आपके जो लॉस हैं वो बड़े हो सकते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट एक बड़ा मूव दे सकता है जो कि आपके कैपिटल पे एक अच्छा खासा डेंट डाल सकता है। तो देखिए ट्रेडिंग में जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको समझने चाहिए कि उसका सेटअप क्या है, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसका सेटअप क्या है, उसकी जो ग्रीक्स हैं उनका सेटअप क्या है, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये आपको जानना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है जो आपको जानना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है और आपके पास स्किल्स हैं तो वो स्किल्स भी आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है ये इमोशनल डेंट देने वाली चीज़ है, यहाँ पे आपके इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होंगे, जब आपको लॉसेज होंगे तो वहाँ पे आपका माइंडसेट है, आपका टेम्परामेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट ना करे, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करे। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, एक स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट है, उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं वो वर्क करेंगी। लेकिन वहीं पे अगर आपकी स्किल्स हैं वो तो अच्छी हैं लेकिन आपका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, फिर आपकी स्किल्स हैं वो आपको उस तरह का आउटकम नहीं दे पाएंगी जो आप चाहते हो। तो इस वजह से बोला भी जाता है कि ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट एंड 10% स्किल्स। मैंने पीछे देखिए ये यहाँ पे जो पेंटिंग लगा रखी है इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट एंड 10% स्किल। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है, बहुत रिलेवेंट लगती है, और ये मार्केट में है भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ये इमोशंस का खेल है, यहाँ पे आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपका टेम्परामेंट है उसको मार्केट बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर सकता है।
तो मार्केट को आपको अलो नहीं करने देना है कि आपका टेम्परामेंट डिस्टर्ब करे, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब करे या आपकी साइकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करे। क्योंकि जब मार्केट में आपका रियल पैसा लगा होता है और वहां पे आपको लॉसेज स्क्रीन पे दिखना शुरू होते हैं तो अच्छे से अच्छे ट्रेडर का भी माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन यही चीज़ है, मार्केट से पैसा कमाना कोई, देखिए लोग समझते हैं कि एक ईजी मनी है, लेकिन ये इजी मनी बिल्कुल नहीं है। मार्केट से पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे आप वर्ल्ड के जो बेस्ट माइंड हैं उनके साथ कंपीट करके और पैसा बना रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारी स्किल्स आपके पास हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपके पास नहीं है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो इस वजह से जो थर्ड एम हमारा है वो है माइंड, कि आपका माइंडसेट है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये तीन एम है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग में ज़रूर आपको कंसिडर करने चाहिए। इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि हाँ इन तीन एम्स का मैं ध्यान रख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ मार्जिन, आपका मार्जिन है वो सफिशियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्जिन कॉल की वजह से और आपकी पोजीशन है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो रही है, आपका लॉस बुक कर दिया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ मार्जिन, सेकंड इज़ मैनेजमेंट, आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में जाने से पहले आप मास्टर कीजिए सारे एडजस्टमेंट्स को, कि आपको पता हो कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आप किस तरह का एडजस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ माइंडसेट, साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका टेम्परामेंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मार्केट जब आपके अगेंस्ट जाता है तो ये आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरें। तो चलिए ये थ्री एम्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। ऑप्शन सेलिंग के तीन स्ट्रांग पिलर होते हैं, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपकी इन तीन पिलर की फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर बन सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको कल के एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, मैं कुछ बहुत बड़ा लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। तो ये क्या है ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ब्रिंग इट बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड, और ये चीज क्या है ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।